हेलो फ्रेंड, डिजिटल वर्ल्ड कंप्यूटर सेंटर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज सीख रहे थे, जिसमें हमारा फोल्डर टॉपिक चल रहा था, जिसके मैं पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि फोल्डर को कैसे मूव करते हैं। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जाता हूँ कि फोल्डर को कैसे कॉपी किया जाता है। तो ये जो आप फोल्डर देख रहे हो, सोनू नाम से बना हुआ है। ये कहाँ पर बना हुआ है? तो डेस्कटॉप पे बना हुआ है। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था मूव करने के लिए, तो मूव का मतलब होता था कि जब मैं इसको कट करूँगा और किसी दूसरे लोकेशन पे ले जाके पेस्ट करूँगा, तो ये फोल्डर यहाँ से मूव हो जाएगा, हट जाएगा, उस लोकेशन पे चला जाएगा। लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैं जो आपको कॉपी करना बता रहा हूँ, उसमें क्या होगा कि जो फोल्डर मैं यहाँ पर बनाया हूँ, उसी को दूसरे जगह ले जाऊँगा, तो यहाँ पर भी वो फोल्डर रहेगा और वहाँ पर। मूव का मतलब होता है जो फोल्डर हम बनाए वो एक जगह से हट जाता है और दूसरे जगह चला जाता है, और कॉपी का मतलब होता है कि ये फोल्डर यहाँ पर भी रहेगा और जहाँ पर हम कॉपी करेंगे और जहाँ पर ले जाके पेस्ट करेंगे वहाँ पर भी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको हमको कॉपी करना है डी ड्राइव में, तो इस फोल्डर पे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कॉपी ऑप्शन आएगा। पिछले में देखा था कट, अगर कट कर दूंगा और पेस्ट करूँगा तो यहाँ से हट जाएगा, और कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर भी रहेगा और वहाँ पर भी रहेगा। तो कट और कॉपी में कट करके पेस्ट करने से यहाँ से हट जाएगा, दूसरे लोकेशन पे चला जाएगा, उसको मूव करना कहते हैं। और कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर रहेगा और दूसरे जगह पर भी रहेगा। तो यहाँ पर कॉपी करते हैं और हम दिस पीसी को ओपन करते हैं और इसको डी ड्राइव में हम पेस्ट करते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट करते हैं, तो देखो सोनू नाम का फोल्डर यहाँ पर भी आ गया और मेरा सोनू नाम का फोल्डर यहाँ पर भी है। अगर मैं ये कट करके पेस्ट करता तो यहाँ से हट जाता, वहाँ पर पेस्ट हो जाता, लेकिन जब मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ तो दोनों लोकेशन पर वो रहता है। तो हमने देखा कि कॉपी कैसे करते हैं, तो पहले कॉपी करते हैं फिर पेस्ट करते हैं। मैंने देखा डेस्कटॉप से ड्राइव में, अगर मान लो आप ड्राइव में कुछ बनाते हैं उसको डेस्कटॉप पे कॉपी करना है, तो वही प्रोसेस, दिस पीसी को ओपन करेंगे, डी ड्राइव में बना हुआ है कुछ, उसको आप चाहो तो एफ ड्राइव वाला भी कॉपी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एफ ड्राइव में बना हुआ है, एफ ड्राइव में बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं, जैसे यहाँ पर सोनी नाम से फोल्डर बना हुआ है, इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको यहाँ से मिनिमाइज में करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो देखो ये सोनी नाम का फोल्डर यहाँ पर भी आ गया और वहाँ पर भी है। तो कॉपी का मतलब होता है कि जहाँ से हम कॉपी करें वहाँ पर भी रह जाएगा और जहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो मतलब ये फाइल दो जगह कॉपी होगी। और मूव में क्या था कि यहाँ से हट जाता है वहाँ पर चला जाता है। अगर आप डी में बनाते हो उसको एफ में करना है, तो क्या करेंगे, हम डी ड्राइव में जाएंगे। मान लो यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ है डिजिटल वर्ल्ड नाम का, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर एफ ड्राइव में आते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो दोस्तों ये पिछले ट्यूटोरियल में मैंने मूव करना सिखाया था, इस ट्यूटोरियल में मैंने कॉपी करना सिखाया था। हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे सब फोल्डर बनाना। सब फोल्डर क्या होता है, कैसे सब फोल्डर बनाते हैं, कुछ ये सब नाम होते हैं जिस नाम से फोल्डर क्रिएट नहीं हो सकता है, तो वो हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे नाम हैं, और क्रिएट करूंगा फोल्डर जिसका कोई नाम नहीं होगा, और मैं आपको कलर में भी फोल्डर बनाना सिखाऊंगा। तो इस चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।